वेलकम टू वीकेंड। आज हम बात करेंगे HP के एक नए प्रोडक्ट, नए लैपटॉप के बारे में, जो कि HP Elite Dragonfly के नाम से लॉन्च हो चुका है। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ बनाया गया है, काफ़ी स्मूथ लुक, इतना अमेजिंग है इसका, लाइट वेट है और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी गई है, पहले से बेटर बनाने की कोशिश करी गई है। यूज़र के सभी रिक्वायरमेंट का प्रॉपर ध्यान रखा गया है इसमें। तो वेट की बात करते हैं तो वेट इसका काफ़ी लाइट रखा गया है और जो वाईफाई है 6 टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है ताकि एक अच्छे रेंज में वर्क कर सके, अच्छी स्ट्रेंथ आपको जो वाईफाई की है वो मिल सके। बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी करी गई है जो एक लॉन्ग लाइफ देती है आपको। चार्जिंग की बात करें तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है, काफ़ी फास्ट चार्ज होगा आपका लैपटॉप ताकि आप दोबारा अच्छे से वर्क कर सकें। जो पेन इसके साथ मिल रहा है काफ़ी प्रीसियस राइटिंग एक्सपीरियंस देने वाला है आपको, बहुत स्मूथ वर्क करता है। और जो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं वो भी सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं, पहले से बेहतर बनाए गए हैं। ये बहुत ही स्मूथ और ईजिली वर्क करते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से स्कैन कर लेते हैं। और बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में 8 जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर दिया जा रहा है जो आपके परफॉर्मेंस को काफ़ी बेटर बना देता है। और इसका लुक इतना अमेजिंग है जब आप इसे केयर करते हैं तो काफ़ी इम्प्रेसिव सा लगता है। और ऑडियो की बात करते हैं तो HP B&O की तरफ से इसमें नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर दिया गया है, जो अगर आप अपने कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है उसके अंदर आपके आसपास की नॉइस को ये रिमूव या कैंसिल कर देता है। और स्पीकर की बात करते हैं जो आउटपुट है इसका बहुत ही अमेजिंग आउटपुट है और काफ़ी अच्छा साउंड क्लियरिटी हमें सुनने को मिलती है। और बैटरी की बात करते हैं इसमें फास्ट चार्जिंग है, ये आधे घंटे के अंदर आपके लैपटॉप को 50% चार्ज कर देता है, आप दोबारा से काम करने के लिए प्रॉपर तैयार हैं और काफ़ी अच्छा इसका स्मूथली वर्क करता है। और वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, आप एक अच्छे रेंज में बैठ के बिना किसी नेटवर्क ब्रेक के अच्छे से प्रॉपरली काम कर सकते हैं, सेम स्पीड मिलने वाली है आपको, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और कीबोर्ड की बात करते हैं, कीबोर्ड बहुत ही अमेजिंग कीबोर्ड है, सॉफ्ट यूज़ है, जब आप टाइप वाइप करते हैं बहुत अच्छी फीलिंग आती है, लुक वाइज अच्छा है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, पेन की बात करते हैं तो पेन रिचार्जेबल है, एक्टिव पेन जनरेशन 3 है, काफ़ी स्मूथली वर्क करता है, आप चाहे डिज़ाइन कर लीजिए, पेंट कर लीजिए, कुछ भी अगर आप टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करते हैं, अल्ट्रा HD 6 एंड फुल HD आपको मिलता है और बहुत अच्छे कलर पिक्सल्स आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा है, टच स्क्रीन है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसमें आपको कैमरा सिक्योरिटी भी मिलता है, आप कैमरे को ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं। और जो फेस लॉक सिस्टम भी है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, इसमें आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं, मतलब सिंपली आपको अपना फ्रंट फेस ही नहीं, मतलब अगर मूव भी करते हैं तो भी वो आपके चेहरे को पूरी तरीके से पहचानेगा, काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, इसके फीचर्स की, पोर्ट्स की, तो डायमंड कट्स दिए गए हैं इसमें और 720 HD और कुछ 1080 में भी आ रहे हैं, वेबकैम क्लियरिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। और जो इसके कीपैड्स हैं और काफ़ी माइक्रोफोन्स वगैरह को भी बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है और काफ़ी अच्छी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। ये टच स्क्रीन है बहुत ही अच्छे गोरिल्ला ग्लास के साथ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, टच बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोनों तरफ आपको एक स्पीकर दिए गए हैं, USB 3.1 जनरेशन 1 का चार्जिंग का दिया गया है आपको, बहुत अच्छा है और इससे चार्ज भी हो जाता है नॉर्मली जैसे होता है। पावर बटन दिया गया है इसके साथ और एक्सटर्नल नैनो सिम स्लॉट भी दिया गया है और थंडर बोल्ट का USB टाइप सी कनेक्टर दिया गया है, USB टाइप सी चार्जिंग के लिए, ये नॉर्मल चार्जर नहीं होगा हमारे पुराने पॉइंट वाले की तरह, इसमें आपको टाइप सी दिया गया जैसे हमारे मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो यही रीज़न है कि इसमें इसे काफ़ी फास्ट चार्जिंग के लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है। हेडफोन के लिए आपको वही माइक्रोफोन और हेडफोन के लिए वही 3.5 का जैक मिल रहा है और HDMI 1.4 मिल रहा है, वो बहुत ही अच्छे लैपटॉप को बनाता है। ये 13.3 इंच की स्क्रीन के साथ आपको मिल रहा है और ये फर्स्ट टाइम ओशियन ब्लंड प्लास्टिक मटेरियल से यूज़ होगा और ये काफ़ी अच्छा एक आपके सामने लैपटॉप बन के आ रहा है। बात करते हैं एक फाइनल इसके कॉन्फ़िगरेशन की, स्पेसिफिकेशन की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ विंडो 10 प्रो 64 मिल रहा है आपको, बेसिकली होम बेसिक वगैरह मिलते थे बट इसके साथ आपको विंडो 10 प्रो 64 मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करें तो कोर i7 8 जनरेशन मिल रहा है आपको, अल्ट्रा UHD ग्राफिक 620 के साथ। फ्रेम फैक्टर की बात करें तो कन्वर्टेबल है, ये 360 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, ये एज अ टैब और लैपटॉप आप दोनों यूज़ कर सकते हैं इसे। मेमोरी की बात करें तो 16 GB DDR4 2666 की रैम मिल रही है आपको और इसमें हार्ड डिस्क जो यूज़ हो रही है प्रॉपर 1 TB हार्ड डिस्क, SSD यूज़ हो रही है, SSD काफ़ी बेटर परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। पुराने लैपटॉप में, पुराने मीन्स जिससे पहले आ रहे थे उसमें 256/512 SSD ही यूज़ की जा कर रहे थे और 1 TB 2 TB दूसरे हार्ड डिस्क दे रहे थे जो हमारी SATA वगैरह वाली होती थी,
तो इस बार इसमें पूरा ही 1 TB SSD हार्ड डी जा रही है ताकि प्रॉपरली फुल फास्ट वर्क करे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। और जो इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो वही 13.3 फुल HD डिस्प्ले आपको मिलती है। ग्राफिक की बात करें तो इंटेल का USD ग्राफिक 620 मिलता है आपको। पोर्ट्स जो है मैंने पहले ही बता दी है, पोर्ट्स सेम वही चीज़ें हैं, USB टाइप सी चार्जिंग मिल रही है आपको, USB 3.0 जनरेशन की पोर्ट्स मिल रहे हैं आपको, HDMI पॉइंट मिल रहा है आपको। वारंटी की बात करें तो वारंटी 3 ईयर ऑन साइट वारंटी मिल रही है आपको। और MRP की बात करते हैं तो 219,518 इसका MRP है। ये MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको इससे कम में भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और तो बस इतना ही, काफ़ी अच्छा लैपटॉप आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये जो अगर आपके माइंड में प्राइस का आ रहा है तो ये प्राइस SSD और इसके फीचर्स की वजह से इतना थोड़ा कॉस्टली है, पर जब ये आपके पास होगा आप यूज़ करेंगे तो ये पैसा वसूल लैपटॉप है। काफ़ी अच्छा स्लिम लाइट वेट और अमेजिंग लुक के साथ मिल रहा है आपको, तो काफ़ी इंप्रेसिव लैपटॉप है।